जय हिंद प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छा ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अगर यूपीएससी करना है, ठीक है ना, तो यूपीएससी करने के लिए हमें बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छा से मतलब चॉइस करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, और हमारे यूपीएससी के लिए बीए में जो सब्जेक्ट लेंगे वो हमारे यूपीएससी में कितना फ़ायदेमंद होंगे, उससे क्या क्या हमारा लाभकारी हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, और हमें जो रखना चाहिए वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो अगर स्टूडेंट 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, और वो एडमिशन कराने से पहले सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को च्वाइस कर लीजिए, ठीक से जान लीजिए। क्योंकि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप ग्रेजुएशन में अगर मान लेते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट लेकर पढ़ लेते हैं ताकि आगे यूपीएससी के लिए यूपीएससी में जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए दिक्कत होंगे, या फिर मान लेते हैं कि अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और लेकर यूपीएससी में करना होगा कुछ और, क्योंकि यूपीएससी का सब्जेक्ट तो अलग होगा। आप ग्रेजुएशन में चाहे आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे कुछ भी लेकर पढ़िए, इधर आपको उधर वहाँ पे आपको जो सिलेबस होता है यूपीएससी का वो तो करना होगा बच्चे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और इसमें आज आपको बताएंगे ये आप इस हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट को शामिल कर सकते हैं और रख लेना चाहिए और करना भी चाहिए जिन बच्चे का अगर यूपीएससी करना है। तो ये आप सबसे पहले अपना डिसाइड बनाइएगा, सबसे पहले खुद का आप मतलब कि डिसाइड कीजिएगा अपने से कि हमें ये सब्जेक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दूसरे के कहा नाम पर नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप 11th हैं, 12th हैं, 10th पास किए हैं, चाहे फिर 12th पास किए हैं, या ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं, या ग्रेजुएशन में है चल रहा है, तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो मेरे चैनल से पहले आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए आपका ही हेल्प करने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से सारा चीज़ हम विषय हो, सब्जेक्ट हो, जानकारी हो, कुछ भी ऐसा गाइड हो हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि हमें अगर बीए में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट को लेकर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर यूपीएससी करना है तो बच्चे आप पॉलिटिकल साइंस कर ले लीजिए, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी में, क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में ना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे। इसमें आपको बता दें कि यूपीएससी का करने से पहले यूपीएससी को आप अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को जानिए। जब तक अगर सिलेबस नहीं पढ़ते हैं तब तक आपके माइंड में ना उस चीज़ को तैयारी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको तैयारी बनाना है, टारगेट लेना है, टारगेट बनाना है, तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस को पढ़िए, क्या सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर हैं, ये सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो उसी यूपीएससी सिलेबस में जीएस के पेपर होते हैं बच्चे, 4 पेपर आपको देना होगा मेंस में, और 2 पेपर तो आपको जीके जीएस जो हो गए ना ये आपको यहाँ पे सीसेट आर प्रीलिम्स में देना होगा बच्चे। तो वही जीएस में आपको बता दें कि जीएस पेपर 2 के लिए ना ये पॉलिटिकल साइंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेकर बीए में करते हैं तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें जैसे भारतीय राजनीति, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि इसमें शामिल होंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना बच्चे। तो आप ये पॉलिटिकल साइंस लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सब्जेक्ट आप रख सकते हैं इतिहास, हिस्ट्री को रख सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है बच्चे, अगर आप ये 2 चीज़ बताएं ना, पॉलिटिकल साइंस एगो हिस्ट्री, अगर आप इन दोनों चीज़ों को अगर ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ लेते हैं ना बच्चे, तो आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब ये बेनिफिट और लाभ मिलेगा बच्चे। इसमें भी आपको जीएस पेपर आप कवर हो जाएंगे, अगर यहीं से अगर आप जीएस पेपर को मास्टर करते चलिएगा तो याद रखना यूपीएससी में जीएस पेपर को ना बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है वहाँ पर करने के लिए बच्चों के लिए, वहाँ पर टफ नहीं कर पाइएगा, वहाँ पर अच्छे नंबर नहीं ला पाइएगा, खास करके जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है इसको पढ़ने के लिए और इस चीज़ को कवर करने के लिए बच्चे। तो आप यहीं से बनाइए, यहीं से सारा चीज़ टारगेट उठाइए, कैसे किस तरह से करना है समझ जाइए अच्छे तरीके से, आपका ही काम आएगा। तो ये जीएस पेपर के लिए लाभकारी हो जाएंगे ये इतिहास, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के अलावा विश्व इतिहास भी इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे बच्चे।
इसलिए आपको ये करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आप किसी भी ये दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को ले ऑनर्स लेकर करते हैं, बाकी और सब्जेक्ट को भी शामिल कर सकते हैं। अगला थर्ड बात करते हैं भूगोल ज्योग्राफी के लेकर। तो देखिए अगर आप यूपीएससी में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कंबाइंड बनाना चाहिए वो ज्योग्राफी के लेकर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या से उठाता है, मैपिंग वगैरह से या फिर मानचित्र वगैरह से, ये सारा चीज़ ना ज्योग्राफी में आपको कवर हो जाएंगे बच्चे। तो ये ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू दोनों के लिए महत्वपूर्ण ये मतलब कि ये सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये ले लेना चाहिए, इससे करना चाहिए। इसमें भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी इसमें शामिल होता है और इसको करना चाहिए। और ये ज्योग्राफी को ना हम कहें सातवां आठवां से उठाइए, सातवां आठवां नौवां और ग्यारह बारह इतना मतलब क्लास का ज्योग्राफी पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। और अभी से आप यूपीएससी करना चाहें तो मैपिंग पर ज़्यादा बेस बनाइए, मैपिंग पर अगर बेस होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सामाजिक शास्त्र से, साइकोलॉजी से। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें आप ऑप्शनल रख सकते हैं, इस सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं। इसमें विषय समाज के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक संरचना का अध्ययन इसमें कर सकते हैं। इसमें वैकल्पिक विषय जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो ऑप्शनल इसको लेकर आप कर सकते हैं बच्चे। तो आप ठीक तरीके से यहाँ से पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए अच्छे होंगे, वहाँ पे आपका फायदा ही होगा। आप करते हैं इकोनॉमी से बच्चे, इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेना भी चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना भी चाहिए। ठीक तरीके से ये सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स को ये, ठीक उसी प्रकार से ये अगर ये कीजिएगा तो ये आपको जीएस पेपर थर्ड को कवर कर सकते हैं और जीएस पेपर थर्ड को उठा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सार्वजनिक प्रशासन, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके बाद साहित्य को लेकर ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से पकड़ कर लीजिए, आपके लिए ही ये फायदे होंगे। तो कुछ इस प्रकार के जो विषय हैं बच्चों, इन विषयों में कम से कम ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीन ऐसे जो है ना बच्चे, एगो इकोनॉमिक्स, ये चार को ऐसे सब्जेक्ट को रख लीजिए मुट्ठी में करके कि आप यहीं से यूपीएससी करना है, ग्रेजुएशन बाद तो आप करिएगा, वहाँ पे पेपर दीजिएगा, तो ग्रेजुएशन में आप इनको ना एकदम चाट जाइए जैसे चाटना है, रट जाइए जैसे रटना है, जिस तरह से करना है आपको करना ही है बच्चों, ठीक। तो ये कर लेना, अच्छे तरीके से पकड़ कर लेना। और इन पर आपको एक चीज़ बता देते हैं कि सर इसको अगर हमको अच्छे तरीके से पकड़ करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए आपको पॉलिटिकल को उठाना है ना, पॉलिटी को पढ़ना है, तो एम लक्ष्मीकांत का बुक उठा लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। कहाँ से कहाँ उठाइए उसको पढ़िएगा तो 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन ये एनसीईआरटी कहाँ से उठाएं हम, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं कहाँ से उठाएं। अगर आपके पास कुछ नई साधन है ना तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एसएमएस कर दीजिएगा कि हमें एम लक्ष्मीकांत का पीडीएफ डाल दीजिए 6 to 12 पॉलिटी का, हम आपको डाल देंगे, फ्री में दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से, अगर एक टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं एसएमएस कर दीजिए, जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर कर दीजिए कि सर हमें भी टेलीग्राम में जोड़ लीजिए, हम जोड़ लेंगे। ऐसे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर मेरा सर्च कर लीजिएगा साइंस जोन गढ़वा। बाकी अगर आपको मेरे से संपर्क करना हो, कुछ जानकारी लेना है, बात करना है, तो हम आपको बताते हैं। इंस्टाग्राम पर पाल मोटिवेशनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे यूपीएससी का ही पूरा प्रोफेशनल चीज़ बनाए हुए हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मेरे से डीएम कीजिएगा और सारा चीज़ हम बता देंगे। बाकी और विषयों को लेकर या फिर और कोई ऐसा जानकारी लेकर, यूपीएससी से लेकर, चाहे पीसीएस से लेकर, चाहे कोई भी ऐसा सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरह से आपको अगर मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं, गाइड लेना चाहते हैं, या कोई यूपीएससी में मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे आपको बुक्स वगैरह हो गए, सारा चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मेरा पीडीएफ मिल जाए या नोट्स मिल जाए, तो हम आप इतना कर सकते हैं कि आपको नोट्स दिला सकते हैं। नोट्स मेरे पास हैं, पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए, नंबर है, डायरेक्ट एसएमएस कीजिए, हम आपको जितना भी हो सके हेल्प कर देंगे, ठीक है ना बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ एक चीज़ कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और किन राज्य से हैं, कहाँ तक हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक। बाकी अगर मेरे से संपर्क करना हो तो सारा चीज़ बता दिए, नंबर दे दिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।